लखनऊ की गर्मी से इतना बुरा हाल हो गया है कि मुझे मुंह धुलने के लिए भी पहाड़ों पर आना पड़ा। हाँ तो बात ऐसी है कि चुपती चलती गर्मी का मौसम आ चुका है और गर्मी कितनी भयानक पड़ने वाली है ये अप्रैल अपनी गर्माहट से बता चुका है। अब इससे पहले कि कोई गिले शिकवे होते मैंने पहाड़ों पर निकलने के लिए एक बस पकड़ ली। सीट मिलते ही सफर शुरू हो गया और बस रुकी सीधे 9 बजे डिनर के लिए, जहाँ मैंने बाहर का खाने से खुद को रोका और घर से लाया हुआ खाना खाया। पर मैकलगंज के रसगुल्ले खाने से खुद को रोक नहीं पाया और धीरे से 2 चाप दिए। आहा, एकदम कंटाप स्वाद। यहाँ कंटापित होते ही सफर दुगनी तेजी से शुरू हुआ और करीब 2 बजे गाड़ी उत्तराखंड के अंदर और ठंडी हवा गाड़ी के अंदर। तो रातों रात मैंने नींद में ही बैग से टी शर्ट निकाल कर पहनी और कंडक्टर की कसम किसी को पता ही नहीं चला। पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रास्तों का लुफ्त उठाते हुए मैं गाँव की मार्केट तक आया और अब मात्र 10 किलोमीटर का ही पैदल सफर बचा हुआ था, लेकिन धूप के कारण यहाँ भी हालत आपे से बाहर थी। तो आधा सफर तय करते ही मैंने एक गाँव में शरण ली जहाँ मेरे ताऊजी का घर था और फिर यहाँ इत्मीनान से फ्रेश हुआ और मस्त दाल चावल खाए और बाकी की जर्नी आपको कल बताऊंगा।